हेलो एवरीवन, आपके क्वेश्चन सेशंस को लेते हुए आई हैव वन इम्पोर्टेंट सेशन विच इज गोइंग टू बी टेकन अप राइट नाउ। मैं आप लोगों के साथ में कुछ 100 क्वेश्चन शेयर करूंगा। सम ऑफ दोज वुड नॉट बी रेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सीसा लेवल के क्वेश्चंस होंगे। एंड यस, सीसा लेवल क्वेश्चंस कराने का मतलब ये नहीं है कि वो डीसा में आ नहीं सकते। डीसा में काफी टेस्टेबल है, इसलिए ही हम आपको एक एग्जिस्टिंग क्वेश्चन सेट जो मेरे पास है, एक स्पेशल क्वेश्चन सेट जो मेरे पास है, मैं उसमें से करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन उसके ऑलरेडी आपको हमने जो पहले के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, मेरी ओर से डिजाइंड मॉक टेस्ट पेपर जो सॉल्व करवा रखे हैं, उनमें कवर्ड है, राइट। एंड ऑलरेडी हम 350 के आसपास क्वेश्चंस कर चुके हैं ड्यूरिंग द क्लासेस एंड विद अक्रॉस विद डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन 300 क्वेश्चंस। हाउएवर, इवन दो ये सब हो चुका है, स्टिल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और एक इलैबोरेटेड प्रैक्टिस हो जाए। उसके अलावा मैं एक 40 क्वेश्चंस का सेट आप लोगों के साथ में और शेयर करूंगा, और वो 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के। तो उन 40 क्वेश्चन को तो जरूर जरूर करना है, और साथ साथ इन 100 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें जो मैं इस सेशन में कराने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा आगे भी जिस जिस तरह से सेशंस लिए जाएंगे, आई वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। आप लोग जितना क्वेश्चन हो सके सॉल्व करें, मेरी कोशिश है कि ईटी से पहले मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन करा के भेजूँ खुद से भी, जिससे कि ग्रूव में आ जाओ आप वापस से। होता है ना, एक बार हम पढ़ लेते हैं, हम चीजों को देख लेते हैं। सो देर वुड बी सम व्हाट टू से, मैं बोलूंगा 10-12 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं जो अभी 100 क्वेश्चंस उठाऊंगा उसमें से, जो कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, बट हम स्टिल रन थ्रू इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक बार नजर पड़ जाए तो बुरी बात नहीं है। ये डीसा 2.0 एज वेल एज 3.0 को फुल्ली रेलेवेंट है, तो कोई किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो सिर्फ 3.0 को रेलेवेंट है, आई विल अनाउंस एंड से कि इट इज वर्थ, मतलब इट इज वर्थ वाइल फॉर 3.0 ओनली। हाउएवर, आई फील कि ऐसे चांसेस बहुत रेयर होंगे या इक्का दुक्का क्वेश्चन ही इस हिसाब का होगा, राइट। सो चिंता ना कीजिएगा उस चीज को लेकर के, आई विल बी टेकिंग दिस अप ऑल टुगेदर फर्दर। सो हम लोग इनिशिएट करते हैं फटाफट। ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एन इंटरनेट अटैक? सर्चिंग फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन एरर्स, गेसिंग यूजर पासवर्ड्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्रेकिंग द डेडमैन्स डोर टू गेन एंट्री, प्लांटिंग अ ट्रोजन हॉर्स। सो व्हेन आई गो फॉर सर्च सॉफ्टवेयर सर्च डिजाइन एरर्स, इट्स नॉट एन अटैक, इट इज अ बग, और बग्स को फिक्स किया जा सकता है, ये इंटरनल प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स अगर मैं रिजेक्शन के नाते बोलूं तो ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है। गेसिंग यूजर पासवर्ड बेस्ड ऑन देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन अटैक, राइट, मैं इसको अटैक नहीं बोलूंगा सीधे सीधे। ब्रेकिंग द डेडमैन्स डोर टू गेन द एंट्री इज अ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, और आपको याद होगा डेडमैन डोर कुछ ऐसा होता है कि जहां पे एक बार में एक ही पर्सन एंटर कर सकता है, दो डोर्स होंगे तो इंटरमीडिएट एरिया में आप एक ही बार में एक जना ही जा सकते हैं, जहां पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो सकती है, एंड देन दे लेट यू आउट। सो दैट्स हाउ अ डेडमैन डोर इज। और क्या बोलते हैं, प्लांटिंग अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन ऑफ कोर्स इज अ टेक्निकल एक्सपोजर रिलेटेड टू लॉजिकल एक्सेस, तो ये एक इंटरनेट अटैक बनेगा। सो आंसर अपना क्या कहलाएगा, प्लांटिंग अ ट्रोजन हॉर्स। ओके, आगे को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट शुड एन आईएएस ऑडिटर यूज टू चेक कंप्लायंस विद अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर अप टाइम? अप टाइम का मतलब बहुत क्लियर है, अप टाइम का मतलब होता है कि भाई हमें जरूरत पड़ने पर मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं। तो अगर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे उसे, अप टाइम के लिए हम क्या कहेंगे, अवेलेबिलिटी। सो इट बिकम्स अवेलेबिलिटी, द आंसर हैज टू बी अवेलेबिलिटी। सो अ गुड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑलवेज हेल्प्स अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकर। व्हेन इंप्लीमेंटिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट रिस्क? ग्रेटेस्ट बोला है तो हो सकता है सभी कुछ रिस्क देते हो, लेकिन आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट 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 देखना है। अनकंट्रोल्ड मल्टीपल सॉफ्टवेयर वर्जन, तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन हैं अलग अलग, से फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर है अपडेट होके आता है तो अपडेटेड वर्जन के अलावा भी पुराने वर्जन भी को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोर्स प्रोग्राम दैट आर नॉट सिंक्रोनाइज विद ऑब्जेक्ट कोड, ओके। सो वो कहते हैं कि भाई सोर्स प्रोग्राम इस तरह से हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसके साथ मैच नहीं करते। सो आइडियली यू माइट हैव एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, या फिर हो सकता है कि कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, इस तरह की चीज हो सकती है। इनकरेक्टली सेट पैरामीटर्स इज एक्चुअली अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पैरामीटर सही सेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सॉफ्टवेयर का दायरा क्लियर नहीं होगा। सो आंसर हैज टू बी सी, प्रोग्रामिंग एरर्स वुड नॉट बी दिस, ठीक है। क्योंकि बात कब हो रही है, बात हो रही है इंप्लीमेंटेशन की,
राइट। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो हम कहेंगे कि भाई पैरामीटर्स ही अगर गलत सेट है तो वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और उसका रिजल्ट नहीं होगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। सो लेट्स गो इन टू फर्दर डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और इंडिविजुअल शुड अज्यूम ओवरऑल डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट एंड टाइम टेबल्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो कहते हैं क्या यूजर मैनेजमेंट होगा, ऑफकोर्स स्टेयरिंग कमिटीज का काम करती है बिकॉज दे आर द वंस हु डायरेक्ट द सिस्टम्स, ठीक है ना। सो ये डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्टिंग का काम इनका है तो ऑफकोर्स दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल राइट अपने सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रेट, लेट्स गो अहेड, लेट्स लुक इन टू दिस ऑल्सो। अ की एलिमेंट इन अ रिस्क एनालिसिस इज और आर, तो इनमें से सबसे की एलिमेंट मुझे साफ साफ दिखता है वल्नरेबिलिटीज, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इज द सोर्स राइट। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं थ्रेट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटी। सो इफ एट ऑल कुछ होना होता है तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स आइडियली अपॉन दीज फैक्टर्स ओनली। सो थ्रेट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटी। सो गोइंग विद दिस लॉजिक, वेरी वेरी बेस लॉजिक, वल्नरेबिलिटी का एग्जिस्ट करना जरूरी है बिफोर एनी रिस्क एनालिसिस हैपेंस राइट। सो वल्नरेबिलिटीज नीड टू एग्जिस्ट। ओके, देन वो कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट आर इंप्लीमेंटेड इन, तो टीसीपी आईपी सूट में कहां पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स आएंगे, इट्स एज सिंपल एज ट्रांसपोर्ट लेयर राइट। सो आपको भी पता है 5 लेयर होता है उसमें, 4 तो इधर लिखी दिया है राइट। सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो लेयर है वहां पे जाकर के आपका जितना भी कनेक्टिविटी का काम है, वो कनेक्शन वाला जो काम है वो सारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देन ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम मोड इन विच ऑल इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं कहूंगा कि ऐसा मोड होगा, मतलब से फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट हैव टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ विंडोज प्रोफेशनल। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मोड होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक मोड है, गेस्ट एक मोड है, जहां पे वो कह रहा है कि हर एक टाइप का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, आप चेक करने के लिए कर सकते हो। सो इट हैज टू बी सुपरवाइजर। ओके ग्रेट, आई थिंक सो फार सो गुड। क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है जो कि बिना पढ़े हो जाए। ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, सो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑडिट है, आईएस ऑडिटर फाइंड्स दैट रिस्क ऑफ इंटरसेप्टिंग डेटा ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रॉम रिमोट साइट्स इज वेरी हाई। सो उसने कहा कि भाई जब ट्रांसमिशन होता है डेटा का, यानी कि रास्ते में आने जाने का एक्सचेंज जब होता है, तब कोई भी रीड कर सकता है, ठीक है ना। प्रॉबेबली इंटरसेप्शन का मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि रीडेबल है राइट, कोई और भी पढ़ सकता है। टू एंड फ्रॉम रिमोट साइट्स इज वेरी हाई, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग दिस एक्सपोजर इज हैज टू बी एनक्रिप्शन। सो विदाउट अ डाउट विदाउट अ थिंक मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम इसी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ड्यूटीज इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द डेटा कंट्रोल ग्रुप, ऐसी कौन सी ड्यूटीज हैं जो डेटा कंट्रोल ग्रुप करते हैं। मैं ये क्वेश्चन के लिए आपको कहूंगा कि आइडियली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बिकॉज हमारे यहाँ गवर्नेंस के अंदर इतना डिस्कशन नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्कशन 3.0 के हिसाब से कर दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई थॉट कि कर देना चाहिए। तो डेटा जिनके पास है, जो डेटा कंट्रोलिंग ग्रुप है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ड्यूटीज इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द डेटा कंट्रोल ग्रुप। तो जो लोग डेटा को अवेयर के रखते हैं, डेटा का कंट्रोल मैनेज करते हैं, वो लोग और कौन सा ड्यूटी कर सकते हैं राइट। सो बेसिकली अ ड्यूटी विच इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, विच इज नॉट हैविंग एसओडी कॉन्फ्लिक्ट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। बेसिकली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के सीधा सीधा अगर बोलूं तो ये कहना चाहता है कि भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्फ्लिक्ट ना है, मतलब मैं डेटा कंट्रोल ग्रुप में अगर हूं तो मैं इनमें से क्या परफॉर्म करने के लायक हूं। तो आप मुझे बताइए एक्सेस टू डेटा क्या मुझे एक्सेस करना चाहिए, अगर मैं कंट्रोल स्टैब्लिश करने वाले ग्रुप में हूं तो आई थिंक आई एम नॉट फॉर दैट। कस्टडी ऑफ एसेट्स नहीं, क्योंकि हम लोग कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे हैं और अगर हम ही कस्टडी मेंटेन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऑथोराइजेशन हम करेंगे नहीं राइट। हम एट मैक्स क्या कर सकते हैं, हम रिकनसाइल कर सकते हैं टू चेक वेदर थिंग्स आर गोइंग राइट और रॉन्ग, और वो कंट्रोल का हिस्सा ही कहलाएगा। सो रिकनसिलेशन हैज टू बी द आंसर हियर। सो मेक श्योर कि आपको क्या कहना चाह रहा है। सो दिस इज रिलेटेड टू एसओडी कॉन्फ्लिक्ट।
करा दे रहा हूं इस चक्कर में कि कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन हो कर लेना चाहिए। ओके, एज अ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, गड़बड़ हो जाती कभी कभी। एज अ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर प्रोजेक्ट टेक्स होल्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिजनेस प्रायोरिटीज विल रिमेन स्टेबल। नो, दे विल चेंज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज विल नॉट चेंज, ऑफ कोर्स दे विल चेंज। द प्रोसेस विल इंप्रूव द प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कोर्स। सो दिस वाज अ सिंपल वन, तो ऑल्दो आपको आंसर दिख गया लेकिन इट हार्डली मैटर्स मेरे हिसाब से। तो टू प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नाउ व्हाट्स अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल इनफ इन माय क्लासेस। हाउएवर स्टिल मैं ऐसा कुछ कहूंगा कि हमारा जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर अगर बहुत सारे पैकेट्स भेजे जाए, ठीक है, किसी क्लाइंट के द्वारा, ठीक है ना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स भेज रहा है या प्रोबेबली मिलियंस ऑफ पैकेट्स भेज रहा है, सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पीछे से उनको रीरूट करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, सर्वर एक लूप में अटक जाएगा और सर्वर इसी से ओवर ओवर बर्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर बर्डन, और उसे हो जाएगा आउटेज, और उसका क्या हो जाएगा? आउटेज। एंड दिस हैज बीन वेल एक्सप्लेन इन द क्लासेस, सो दोज ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी टेकन द क्लासेस नीड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की हरकत हो रही है और इस तरह के कुछ आईपी पैकेट्स आते हैं सर्वर के पास, जो कि क्या कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ एड्रेसेस हैं जो रूटेबल ही नहीं, अनरूटेबल है, मतलब ये कोई ऐसा कोई ये ये ए ने कोई ऐसा पैकेट भेजा जिसमें दिखा ये रहा है कि ए से नहीं आ रहा, कहीं पता नहीं कोई अलग ही डेस्टिनेशन से आ रहा है, जो कि इसे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तो ऐसी चीजों को कैसे आइसोलेट कर सकते हो? तो बोलता है कि बाय एस्टैब्लिशिंग आउटबाउंड ट्रैफिक फिल्टरिंग, जो भाई बाहर से आ रहा है, आउटसाइड द बाउंड्री जो ट्रैफिक आ रहा है, क्या उसे फिल्टर कर ले तो हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो आंसर तो ए पे सही मिल गया है, बट आप देख सकते हैं एनेबलिंग ब्रॉडकास्ट ब्लॉकिंग। ब्रॉडकास्ट सर्वर का तो काम ही ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो क्यों ब्रॉडकास्टिंग रोकेंगे? सर्वर तो एक ही चीज बहुत सारे लोगों को देता है, रिसोर्सेस देता है, तो ब्रॉडकास्ट ब्लॉकिंग कर देंगे तो सर्वर के कितने काम रुक जाएंगे। लिमिटिंग अलाउेबल सर्विसेज इज नॉट फ्रूटफुल टू द बिजनेस। टेक्नोलॉजी इसलिए थोड़ी अडॉप्ट करे थे कि काम ही कम कर देंगे, टेक्नोलॉजी तो इसलिए ली थी कि सर्विस का लेवल बढ़ाना था। नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस का कंट्रोल से क्या लेना देना? सो बी सी डी फ्रॉम द रिजेक्शन टेक्निक आर ऑल्सो वेरी वेल सेट। कोई भी जना इस अजम्पशन में मत रहना कि ए बी सी डी में, क्योंकि ए सबसे लंबा है, सबसे लंबा आंसर डाल देंगे नहीं समझ में आ रहा तो। प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिली। मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को सीसा की तैयारी कराई है पीछे, और बहुत सारे लोगों से एग्जाम क्वेश्चन के बारे में पूछा है, एंड दे हैपन टू से टाइम एंड नाउ टाइम एंड अगेन राइट, कि जो क्वेश्चन में हम लोगों को डाउट होता है ना, उन क्वेश्चन में एक्चुअली वी हैव फाउंड कि जो सबसे छोटा आंसर था वो सबसे बढ़िया था। तो सी इंस्टीट्यूट एंड मतलब जहां से अपना इंस्टीट्यूट इंस्पायर्ड है, आईसीएआई का जो DAAB है, आई हैव बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग एज वेल, एंड दे क्लियरली सेड कि जब आईएसए 3.0 की बात हो रही थी तो दे सेड दैट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल विच हैज डायरेक्टली बीन कॉपीड फ्रॉम सीसा, एंड वी हैव टेकन एडिक्वेट परमिशंस बिकॉज ऑफकोर्स स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो आपको क्यों ऐसा सिखाएं जो कि कंप्लाई नहीं करता उन लोगों के साथ में? जो लोग ज्यादा ऊपर है उनको डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल है। सो दे सेड कि ईसा 3.0 का जो कोर्स बनाया है उसमें साफ साफ बोल दे रहे हैं कि आयसा का जो सीसा का कोर्स है वहां के मटीरियल से काफी कुछ लिया गया है राइट। एंड ऑफकोर्स क्वेश्चन बेस को भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बेस भी पिक ही होगा, ऑफकोर्स होगा, और होता ही आया है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, इसलिए तो मैं सीसा लेवल क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, और मैंने पहले भी कराए थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराए। आपको जो 300 क्वेश्चन कराए उनमें से भी इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मैच होंगे इससे भी राइट, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है वो इसी तरह का है, क्योंकि हम सीसा वाले लेवल के क्वेश्चन ही टच कराते हैं आपको हमेशा। सो डोंट वरी अबाउट इट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ थिंग्स। सो फायरवॉल पढ़ा देना इनफ नहीं होता, उसके साथ में समझना भी पड़ता है कि किस तरह का क्वेश्चन बैठेगा, है ना। सो आई होप दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग। अब ऐसा ना हो, देखो 12th आप देख रहे हो, आपको लगे कि सबसे लंबा आंसर सबसे सही है, सो दैट वुड नॉट बी द केस। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम टेस्टेबल है, तो आप प्लीज मार्क भी कर लीजिएगा कि ये एग्जाम टेस्टेबल क्वेश्चन है। गुड इन द सेंस, गुड इन द सेंस का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सर डिफिकल्ट है क्वेश्चन। गुड इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछता है बहुत बार। एन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हॉट साइट्स एज अ बैकअप ऑल्टरनेटिव इज दैट, मुझे जहां तक याद है लास्ट लेक्चर है हमारे ईसा 2.0 का, और ईसा के लिए भी मैं कहूंगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाले मॉड्यूल से जस्ट पहले वाले एक दो लेक्चर्स हैं। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद हॉट साइट्स आर लो, सॉरी टू से बट ये तो कोल्ड साइट के लिए लो होती है। हॉट साइट्स कैन बी यूज फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस वजह से होता है, वो तो हर कोई कर सकते हैं, आप दूसरी साइट्स को भी यूज कर सकते हैं। हॉट साइट्स कैन बी मेड रेडी फॉर ऑपरेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस लुक्स एज अ वेरी गुड पॉइंट, बट लेट्स सी द डी ऑल्सो।
They do not require that equipment and system software be compatible with the primary site. This is very very wrong, क्योंकि compatibility तो चाहिए primary site और अपनी main site में अगर systems की और चीजों की compatibility नहीं है तो at the very first thing वो data backup ही नहीं हुआ होगा. तो D point फर्जी है, बकवास है. आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी आंसर आएगा. तो 12 का आंसर हैज टू बी सी. चलो जी 13 का आंसर भी देख लेते हैं. टू डेवलप, उप्स चलो अभी ले लो ना थोड़ा सा. टू डेवलप अ सक्सेसफुल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट इज क्रिटिकल ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस. तो ये कहते हैं बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस. आप जब बिजनेस के इंपैक्ट को समझ रहे हो, बीसीपी के लिए जब आप इंपैक्ट एनालिसिस कर रहे हो, तभी यूजर्स को बुला लो, जिससे कि वो बता देंगे आपको कि हाँ यहाँ तकलीफें आएंगी. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपको बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है ईटी में, हो सकता है ईटी में आ जाए. ईटी इज वेरी वेरी सिंपल एज कंपेयर टू एटी. समझ लेना पार्षद का इलेक्शन और आपका एक सीएम का इलेक्शन, ठीक है ना, इतना इतना डिफरेंस है. सो मेक श्योर कि इतना अपना घबराहट नहीं करना है वैसे पहली बात तो, क्योंकि आप इजीली कर लोगे. उसके अलावा मैं कुछ 40-50 क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा टेस्टेबल है. मतलब आईसीआई टाइम एंड नाउ वो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मैं वो क्वेश्चन जरूर अलग से भी कराऊंगा. और साथ साथ आप कुछ प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऑफकोर्स वो हेल्प करता है. द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मीट द नीड ऑफ यूजर्स इज दैट. सो यूजर नीड्स मीट आउट नहीं होंगी जब सिस्टम बनेगा, वो क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है? यूजर नीड्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ओके. द ग्रोथ ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स वाज फोरकास्टेड इनएक्यूरेटली. ओके. द हार्डवेयर सिस्टम लिमिट्स द नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स. कॉन्करेंट मतलब एक साथ कितने लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. यूजर पार्टिसिपेशन इन डिफाइनिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट वॉज इनएडिक्वेट. एग्जैक्टली. फेलियर भाई, नीड्स नहीं मीट कर पा रहे तो आपने इसका मतलब नहीं लिया होगा. काफी बार होता है आप यूजर ग्रुप से पूछे बिना, अपने यहाँ तो शादियां हो जाती है बिना यूजर से पूछे कि हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव. जैसे हमने देख लिया ना, हाँ पहले कास्ट मिला लेंगे, प्रोफेशन मिला लेंगे, मिलने जुलने वाले भी मिला लेंगे, आसपास एक दूसरे से 10 बार मिल भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा. फिर उसके बाद बोलेंगे जोड़ी ऊपर से बन के आती है, ये हमारा सबसे सही है. मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा सिस्टम है, टोटली सुपर रिस्पेक्टेबल, बहुत मजा आ जाता है ऐसे. अच्छा चलो, मुझे लगता है ऊपर से पढ़ाना पड़ेगा. When using public key encryption, public key encryption के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो public key होती है वो किसकी होती है, वो receiver की होती है. और इससे क्या होता है, इससे encrypt होता है. जो private key होती है वो sender की होती है, नहीं private key भी receiver की होती है लेकिन डिक्रिप्ट करने के काम आता है. सेंडर की आप सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए यानी मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर यूज करते हो. So, वो क्या कह रहे हैं, बोथ द कीज यूज्ड टू एनक्रिप्ट, राइट. पब्लिक की एनक्रिप्शन टू सिक्योर डेटा बिंग ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क. सो पब्लिक की ऑफ द रिसीवर एंड प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर. तो वो क्या बोल रहे हैं, बोथ द की यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा आर पब्लिक. तो इन्होंने रिसीवर और सेंडर का बात ही नहीं करा मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, the key used to encrypt the data is private. No, this is absolutely wrong. But the key used to decrypt the data is public. No, the key used to encrypt is public, of course, क्योंकि receiver का. But ये नहीं लिखा receiver sender. तो क्या पता कहीं और specify कर दिया और D point में. But the key used to decrypt the data, यहाँ पे तो private ही होना चाहिए. तो C seems right as of now. C seems completely right to me. But अपन देख लेते हैं. Both the key, चलो ठीक है, private private बोल दिया. तो फिर C हमारे लिए सबसे सही है, सबसे उत्तम है, अति उत्तम है. बहुत बढ़िया. ये हट कैसे रहा है भाई, तुझे नहीं होना. एटीट्यूड लो. एन ऑफसाइट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी should have the same amount of physical access restrictions as the primary processing site. This is very very important. 16 पे पहला ही point मेरे को सही लग रहा है. देखो फिर भी should be easily identified from the outside. Sorry to say no. बल्कि मार्ग नहीं होनी चाहिए, identifiable नहीं होनी चाहिए. So this is absolutely opposite of what should be there. Should be located in proximity to the originating site ताकि हमारी site पे भूकंप आए
हमारी जो वो वाली साइट है ना ऑफ साइट, वो भी धड़ 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 धड़, वहां पता चला ये हमारे नीचे जा रहे टक 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 टक, वहां पता चला वो भी जा रही है टक 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 टक। मैं देख रहा हूँ वहां पे, मैं सातवें फ्लोर पे था, वो भी सातवें फ्लोर की साइट मुझे दिख रही है दूरबीन लगा के। दोनों छठे हो गए, दोनों पांचवे हो गए, दोनों तीसरे हो गए, धप 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 धप। नहीं भाई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, फंस जाओगे। ओके, तो फालतू फालतू बातें लग रही हैं, साफ साफ लग रहा है कि भैया ए ही सही है, म्यूचुअल फंड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकवरी स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ बिजनेस हैविंग मल्टीपल ऑफिसेज विद इन अ रीजन एंड लिमिटेड रिकवरी बजट। उनके पास कोई रिकवरी बजट नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो फिर आप बहुत सारे ऑफिसेज हैं तो एक बहुत बड़ी जगह पे जाके शिफ्ट होना तो बहुत मुश्किल है, और आप इधर उधर कहाँ जाओगे? आपके पास बहुत सारे ऑफिसेज हैं तो एक साथ तो ऐसा नहीं होगा कि सारे सारे ऑफिसेज पे एक साथ ही डिजास्टर आ जाएगा, राइट? सो मैं ऐसा कह रहा हूं कि यू योर सेल्फ हैव मल्टीपल ऑफ साइट्स, ये तो अच्छी बात है ना, आपके पास तो है ऑफ साइट्स ऑलरेडी, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि हॉट साइट बना लो, मैंने कहा क्यों बना लो, मेरे पास है भाई ऑलरेडी और मेरा बजट नहीं है ना। हॉट साइट बना लेता अगर आप कहते, बहुत पैसा भी बहुत है भाई साहब तुम्हारे पास, ऑफिस भी बहुत सारे हैं, पैसा भी बहुत सारा है। तो मैंने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कमर्शियल कोल्ड साइट बना लो, बोल रहे हॉट नहीं बना रहा, कोल्ड नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन इट्स ऑफिसेस, यस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और आप कहेंगे कि ये हेल्प भी करेगा ना, हाँ क्योंकि अपना ही है, अपने ही लोगों का है। ओके, अ कंट्रोल फॉर अ कंपनी दैट वांट्स टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स और अदर टाइप ऑफ अनऑथराइज्ड मॉडिफाइड प्रोग्राम्स वुड बी टू। अब ये क्वेश्चन भी अगर मैं आपको बोलूं तो वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ सीसा, बट ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स को प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, पहले ही इंटीग्रिटी चेकर्स को यूज कर लो। अब इंटीग्रिटी चेकर्स होते क्या है वो मैं समझाता हूँ। एक्चुअली इंटीग्रिटी चेकर्स जो है ना, देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से वायरस तो कोई पता लगने नहीं वाला है, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंटीग्रिटी चेक करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि डेटा में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है बेसिकली, या फिर आपने कोई चीज में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा डेटा को या उससे रिलेटेड वर्किंग को, तो वो चीज अगर प्रॉब्लम आएगी तो इंटीग्रिटी के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बदलते जाएंगे, वो बदल जाएंगे, उनमें फेर बदल आएगा, उनके रिजल्ट सही शो नहीं करेंगे। सो इफ यू कीप मोर ऑफ द इंटीग्रिटी चेकर्स इन टू प्लेस यूड क्विकली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम है। प्रोग्राम लेंथ वेरीफाई करने से ऐसा कुछ नहीं होता, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस विच डू नॉट चेंज द प्रोग्राम लेंथ ऑल्सो, ठीक है? जैसे पॉलीमॉर्फिक वायरसेस होते हैं तो वहां पे प्रोग्राम की लेंथ भी चेंज नहीं होती है, ठीक है? सो बैकअप द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड, दैट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, इट ओनली कुड बी अ करेक्टिव कंट्रोल, और ये प्रिवेंटिव कंट्रोल हमारी सिस्टम के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट फॉलिंग इनटू लॉजिकल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट डायरेक्टली फॉलिंग इनटू लॉजिकल कंट्रोल्स, ठीक है? सो इंटेग्रिटी चेकर होगा तो पहले ही चेक कर लेगा, राइट? बिफोर समथिंग इज बीइंग यूज्ड, सो वो इंटेग्रिटी वेरीफाई हो जाएगी। सो अगेन अ सीसा लेवल क्वेश्चन, बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत है तो मैंने आपको समझा दिया। अ लॉन्ग टर्म आईएएस एम्प्लॉई विद अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड एंड ब्रॉड मैनेजरियल एक्सपीरियंस हैज अप्लाइड फॉर अ वेकेंट पोजिशन, आईएएस एम्प्लॉई ही आ गया वेकेंट पोजिशन अप्लाई करने उसी कंपनी के आईएएस ऑडिट डिपार्टमेंट में, डिटरमाइनिंग whether to hire this individual for this position should be based on the individual's experience and the length of service, bakwas, age, bakwas, IAS knowledge, since this will bring enhanced credibility to the audit function, ability as an IAS auditor to be independent of existing IAS relationships. तो best of the answers दिए, ideally तो इसे लेना ही नहीं चाहिए, इसे धक्का मार के भगा देना चाहिए, क्यों भाई साहब चैन नहीं पड़ रहा तुम्हें? बट अब क्योंकि लेने की बात हो ही रही है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो कोई भी हो सकता है, इस वजह से ले सकते हैं ना, तो उस नाते कहेंगे कि इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाओगे, बोले हाँ कर लेंगे, ठीक है आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स टू गेट अनऑथोराइज एक्सेस टू कंपनी एसेट्स इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। लो बिना देखे बताने का भी अलग ही स्वैग है। हाँ ये हो गया डी। और देखो, अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल इज टू एक्ट एज अ स्पेशल राउटर दैट कनेक्ट्स द इंटरनेट टू लैन, सॉरी टू से नहीं भाई साहब, डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग ऑथोराइज्ड यूजर्स है नहीं फ्रॉम एक्सेसिंग द लैन, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब गलत है।
A server used to connect authorized users to private trusted network resources. Very good. Proxy server नहीं हो सकता. Proxy server के बारे में जो भी ज्ञान है already explained है हमारी classes में. So I don't think so कि आपको कोई issue होने वाला है. So firewall क्या करता है? Firewall बोलता है कि केवल और केवल हमारा इंटरनल जो नेटवर्क है वो इंट्रानेट जो है हमारा इंटरनल नेटवर्क यानी इंट्रानेट वो बाहर वालों को उसमें से कुछ ही रिसोर्सेज एक्सेसिबल होंगे और वो भी कैसे होंगे जब हम पूरी तरह से वेरीफाई कर लेंगे कि वो पैकेट ट्रस्टवर्दी है या नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेक्निक्स वुड एन आईएएस ऑडिटर प्लेस द मोस्ट रिलायंस ऑन व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर एन एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस गुड प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. गुड प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. मोस्ट रिलायंस ऑब्जर्वेशन डिटेल टेस्टिंग कंप्लायंस टेस्टिंग के रिस्क असेसमेंट. तो हम बोलेंगे कि भाई वेदर एन एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस मैं एम्प्लॉय को देखना चाहता हूं कि एम्प्लॉय सही है या नहीं है तो उसके लिए तो मेरे लिए ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा टेक्निक होगा ना. कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कंप्लायंस टेस्टिंग और रिस्क असेसमेंट करके कोई फायदा है क्या. ओके लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेफ गार्ड. बाकी सब भी सेफ गार्ड है लेकिन प्राइमरी बताओ. फॉर सिक्योरिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटा. किसके लिए? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए. सॉफ्टवेयर और डेटा यानी सब डिजिटल है. क्या चाहिए? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सबसे मेन चीज है ये जिससे कि सही यूजर ही एक्सेस करे. और देखिएगा जरा 24th क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट्स. इसको भी इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे या आपके एग्जामिनेशन में आने लायक सवाल है एग्जाम टॉपिक जैसा है. ठीक है सो जरूर करके जाएंगे ये सवाल. An IS auditor in evaluating proposed biometric control devices reviews that false rejection rates, false acceptance rates, and equal error rates are of three different devices. The IS auditor should recommend acquiring the device having the least ERR, of course, equal error rate. मतलब मैं बोलूँगा EER. यहाँ पे थोड़ा सा गलत सा लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं. उन्होंने जब यहाँ पे mark करा है, तो उन्होंने ERR से ही करा है, so that's understandable. Least ERR for the fact कि हम लोग again जब बोलते हैं, तो this diagram looks like this. So this is not a clear curve. तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये अगर है FRR और ये है अगर FAR तो इनके बीच में रिलेशनशिप ऐसा ही है. अगर मैं बायोमेट्रिक डिवाइस को इस तरह से बनाऊं कि गलत फिंगरप्रिंट भी एक्सेप्ट हो जाए तो इसका मतलब रिजेक्शन रेट कम हो जाएगी. फॉल्स रिजेक्शन रेट अपने आप कम हो जाएगी अगर फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगी तो. और अगर फॉल्स रिजेक्शन रेट ठीक है फॉल्स रिजेक्शन रेट जो है अगर वो मिनिमम होगी तो फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट जो है ठीक है ना वो हाई होने के चांसेस है. वाइस वर्सा अगर एफआरआर ज्यादा है तो एक्सेप्टेंस फॉल्स एक्सेप्टेंस होने का चांस कम है. रिजेक्ट ज्यादा होते हैं तो एक्सेप्ट होने का चांस कम है. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है एक्सट्रीम्स पे सो दैट इज वाई लीस्ट एफआरआर एंड लीस्ट एफएआर बहुत मेरे को सही नहीं लग रहा. लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे और इन पॉइंट्स को देखेंगे तो गैप इज वेरी नैरो. आप अगर देखेंगे तो गैप इज जस्ट दिस मच जबकि यहां पे इतना इतना गैप है. राइट सो द कर्व इज एज सच. सो इफ यू प्लॉट इट एंड यू अंडरस्टैंड इट दिस इज हाउ इट वर्क्स. दैट इज व्हाई यू वांट लीस्ट ईआरआर. सो लीस्ट ईआरआर वुड मीन व्हाट? दैट द कर्व इज मोर कर्व्ड इस तरह का है ना. तो क्या होगा बहुत माइन्यूट हो जाएगा ये डिफरेंस और भी. सो इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा लेकिन आप इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो एक्यूरेसी अगर बढ़ता है तो इट शुड कम एज लीस्ट ईआर. राइट सो लीस्ट इक्वल एरर रेट इज द बेस्ट आंसर. Least equal error rate is best solution. Okay, then which of the following is widely accepted as one of the critical components in network management? Critical components in networking management widely accepted. ढीठ हो जा रहे हैं. कोई बात नहीं. ये सवाल देखने जाओगे तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क पे हमेशा कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कैसे किया गया. ओके देन व्हेन ऑडिटिंग सिक्योरिटी फॉर अ डेटा सेंटर एन आईएएस ऑडिटर शुड लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर टू एंश्योर दैट द हार्डवेयर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पावर सर्जेस. इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड इफ मेन पावर इज इंटरप्टेड. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Immediate power will be available if the main power is lost. That's the function of UPS. Hardware is protected against long-term power fluctuations.
तो देखो लॉन्ग टर्म पावर फ्लक्चुएशंस हैं, तो फिर तो आपका वोल्टेज का ही इशू है। उसमें कोई वोल्टेज रेगुलेटर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती। वोल्टेज रेगुलेटर इज जस्ट मेड ऑफ अ कॉपर कॉइल, राइट? और कॉपर कॉइल में जब आप इतना रेजिस्टेंस डालते हैं उसे स्प्रिंग की तरह बना करके, जब इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस कॉइल का, कॉइल को थिकन ही तो कराया आपने, सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होती है तो हीट अप होता है वायर। अगर आप कॉन्स्टेंटली हीट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो बहुत देर तक नहीं झेल सकता है, छुटपुट झेला झेली हो सकती है। तो बोल रहा है कि अगर थोड़े बहुत सर्जेस आते हैं, अचानक झटके आते हैं, तो वो सहनीय है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप अगर रेगुलरली होता रहेगा तो दैट्स नॉट सहनीय, वो सहनीय नहीं है, राइट? सो हम कहेंगे कि हार्डवेयर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पावर सर्जेस, दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन हैपन। ओके देन Going with the next question, that is question number 27. Which of the following would be a major disadvantage of using prototyping as a systems development methodology? Prototyping का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? User expectations of project time scales may be overly optimistic. Yes, of course. User को लगेगा कि अभी बन जाएगा, बस अब बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है इसमें। It takes time to develop. So वो बोल रहा है कि ये problem इसकी बहुत बड़ी disadvantage है कि user बहुत optimistic हो सकता है। Then, okay, which of the following are data file controls? Since answer expose हो चुका है, does not matter. Limit check and logical relationship checks is an input control. ये input control होता है, input देते समय check कर लिया जाता है कि limit में है कि नहीं है, कि logical relationship match कर रहा है कि नहीं हो रहा। Birth date और marriage age, जैसे birth date और marriage age है, तो of course marriage age has to be the greater one than date of birth. पैदा होके पहले शादी कर लिया, क्या बात है, right? ये रिश्ता क्या कहलाता है, थोड़ी चल रहा है। सो ये इनपुट कंट्रोल्स है, इनपुट होते टाइम चेक करे जाते हैं। टोटल आइटम्स एंड हैश टोटल्स इज अगेन एन इनपुट कंट्रोल। ऑल्सो टू लुक एट इट, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर्स आउटपुट कंट्रोल्स होते हैं कि रिपोर्ट्स बन चुके हैं तो रिपोर्ट इज एन आउटपुट, और उनके ऊपर लगने वाला कंट्रोल क्या, आउटपुट कंट्रोल है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबलिंग हैज टू बी व्हाट, हैज टू बी इंटरनल कंट्रोल्स, सॉरी अरे इंटरनल तो सारे ही है, फाइल कंट्रोल्स, डेटा फाइल कंट्रोल्स, राइट? और फाइल इंटेरोगेशन, बेसिकली ये फाइल इंटेरोगेशन में आता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनपुट ओनली। ये फाइल है ना, क्योंकि और जो टोटल आइटम्स और हैश टोटल्स है, राइट, वो एक सेपरेट टाइप ऑफ कंट्रोल हो गया। लिमिट चेक एंड लॉजिकल रिलेशनशिप चेक इज अगेंस्ट अगेन अ सेपरेट टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल, राइट? ओके, सो ये फील्ड इंटेरोगेशन के अंदर आता है। हमने सब सिखा रखा है अपनी क्लासेस के अंदर, तो अगर आपने वो क्लासेस करी हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करी तो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन तो कर लो। ओके, फॉर एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड इज अ मेजर ऑफ ऑफकोर्स थ्रूपुट, ऑफकोर्स थ्रूपुट। तो अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसलिए करा दिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था, दो क्वेश्चन ऑल दो मेरे लिए मेरे हिसाब से आए थे जो कि आपके एकदम डायरेक्टली कोर्स में नहीं है, बट हम चाहते हैं कि आप करके चले। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ये मैंने बार बार, ये तो शायद लिखवाया भी हमने, हम क्लास में जब करा रहे थे, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग एड्रेसेस द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बीसीपी। गलती कर दी तो फिर वहां नुकसान हो जाएगा, तो प्लीज डोंट मेक एनी मिस्टेक्स व्हाटसोएवर। When logging on to an online system, which of the following processes would the system perform first? Initiation, verification, authorization, के authentication. Of course, the process has to be initiated. Oops. How can I make a mistake? Oh ho, गलती कर दी. देखो, गलती किसी से भी हो सकती है. Logging on, मतलब sign up हो चुका है. Sign up has been done. जरा सी mistake और हो गया बेड़ा गर्क. साइन अप हैज बिन डन। सो मैं ऐसा कहूंगा कि इनिशियल प्रोसेस हो गए, या फिर मैं बोलूंगा आइडेंटिफिकेशन इज कंप्लीट। और जब आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, ऑथेंटिकेशन। तो अभी क्या करना चाहिए था, ऑथेंटिकेशन। चलो मेरे मायने से ही सही, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चलो बहुत बढ़िया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनेबल एन एंटरप्राइज टू प्रोवाइड एक्सेस टू इट्स इंट्रानेट, दैट
दैट इज एक्सट्रानेट अक्रॉस द इंटरनेट टू इट्स बिजनेस पार्टनर्स. तो वीपीएन, वीपीएन एक्सट्रानेट को हम लोग प्यार से वीपीएन बोल देते हैं, बात एकदम क्लियर है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बेसिकली यू ट्राइंग टू गिव अ फील कि भाई प्राइवेट जैसा फील है, राइट. सो इंट्रानेट होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल लैन कनेक्शंस आर जनरली इंटरनेट ओनली, क्योंकि आप अपने बिल्डिंग के अंदर अंदर कनेक्ट करके बैठ गए, ठीक है. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी यूज हो रहा है दैट इज इंट्रानेट. बहुत सिंपल सी बात है. मैं आपको इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का हल्का सा डिफरेंसिएशन दे देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बात कहता हूं. मेरे घर के पास एक नया नया जिम खुला, जिम वाले ने वेबसाइट बनाने का तय करा. उसने मुझे कहा कि कैसी वेबसाइट है जरा देख के बताना, तो नाम था क्लीन फिट करके, है ना. तो उसने कोई क्लीन फिट करके डॉट कॉम करके वेबसाइट बना ली. मैंने कहा चलो जी देखते हैं. मैंने वेबसाइट देखा तो मैंने कहा कि ये तो एकदम बकवास वेबसाइट है. वो बोल रहा मुझे 40,000 रुपए देने इस वेबसाइट के जो मैंने बनवाए हैं. और मैंने कहा आपने तुरंत कह दिया बकवास है. मैंने कहा इससे बढ़िया तो गूगल पेज बना लेते. तो गुस्सा आ गया उसको कि ऐसा क्यों. मैंने कहा देखो इंटरनेट एज अ बैकबोन यूज करना चाहते हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी यूटिलिटी तब है जब उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सके. वो बोला कि पार्टिसिपेशन कैसे आएगा. तो मैंने कहा क्यों ना आपका एक एम्प्लॉई लॉग इन हो इसी के अंदर, जो आपके बायोमेट्रिक से लिंक्ड हो, जिससे कि पता चले कब आया कब गया और कितने पैसे बने. तो मैंने कहा एम्प्लॉय लॉगिन अलग से होना चाहिए, तो वो साइन इन होगा तो उसकी सारी डिटेल्स होंगी उसमें. फिर उसने पूछा कि अच्छा और क्या. मैंने कहा जी एक ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर लॉगिन होना चाहिए. एक क्या होना चाहिए, कस्टमर लॉगिन होना चाहिए. जिससे क्या होगा सर, जिससे कि वो कह रहा है कि सर ऐसा होगा कि हम लोग जो कस्टमर लोग हैं जिसको आपने एक्सटेंड करी है फैसिलिटी, हमारा एक सेपरेट लॉगिन हो जिसमें हमारी सारी एक्सरसाइजेस आ जाए और आपके किसी स्टाफ के ही या मेरे अलॉटेड ट्रेनर के डेमो वीडियो के साथ में, सो दैट आई हैव नो इश्यूज. अगर वो नहीं भी अवेलेबल है तो भी मैं एक बार इनिशिएट कर सकता हूँ मेरा काम और मेरा प्रोग्राम उसमें आ जाना चाहिए. बोले अच्छा. और मैंने कहा एक होनी चाहिए ओपन वेबसाइट अवेलेबल टू ऑल, ओपन वेबसाइट अवेलेबल टू ऑल. तो हम कहेंगे कि इंटरनेट का यूजेज क्या है. यहाँ पे हमने इंटरनेट यूज करा है, यहाँ पे हम इंट्रानेट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा एम्प्लॉय और स्टाफ का है, और ये हो गया एक्स्ट्रानेट विच वी आर एक्सटेंडिंग टू डिफरेंट पीपल, ठीक है ना. एंड इट कैन ऑल्सो गो थ्रू द सप्लाई चेन पार्टनर्स अगर और भी रिक्वायर्ड है. तो इंटरनेट वही है लेकिन उसका आप लोगों ने क्या करा है, लॉजिकली से सेपरेट करा है. सो दिस इज वॉट इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट इज ऑल अबाउट. एक्स्ट्रानेट इज ऑल्सो नोन एज वीपीएन, क्या आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अपना वर्चुअली एक प्राइवेट नेटवर्क बना करके दे रहे हो बाहर वाले लोगों को कि उनको फील हो कि हम यहाँ पे हम लोग ही हैं और कोई नहीं है. Simple, simple. So makes a lot of sense, lot of sense, lot of sense, lot of sense. 32. So 32 सवाल कर लिए हैं, बहुत बढ़िया भी लग रहा है. 33. Which of the following is least likely to be contained in a judicial certificate for the purposes of verification by a trusted third party certification authority? मतलब अगर certification authority है GoDaddy, तो GoDaddy क्या करता है? GoDaddy आने वाले client को verify करता है कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के लायक है या नहीं है, और वेरीफाई करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन भेजता है ना. से फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए गोडैडी अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, तो जो सर्टिफिकेट गोडैडी फेसबुक को भेजेगा कि हाँ ये क्लाइंट ठीक है या आ सकता है, उस सर्टिफिकेट पे क्या नहीं लिखा होना चाहिए. नेम ऑफ द सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये तो होगा, गोडैडी का नाम तो होगा. पब्लिक की ऑफ द सेंडर, पब्लिक की ऑफ द सेंडर, तो जो क्लाइंट है उसका पब्लिक की होगा. पब्लिक की होल्डर ऑफ कोर्स उसका भी काम होगा. टाइम पीरियड फॉर विच द की इज हेल्ड, अब देखना अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज हमने मिस करी है वो देखो, क्या नेम ऑफ द पब्लिक की होल्डर, नाम जान के क्या करूंगा. पब्लिक की ऑफ द सेंडर वो ठीक है, नेम ऑफ द पब्लिक की होल्डर का मतलब क्या है, मेरे को क्या सेंस इसका, मैं नाम क्यों रिटेन करूं पब्लिक की होल्डर का. मेरे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम है, मेरा काम हो गया, उसने क्या पब्लिक की ऑफ द सेंटर भी डाल दिया, डाल दिया, राइट. पब्लिक की होल्डर का नाम क्या है, रजत जैन का है, ऐसा क्यों जरूरी है, ठीक है. यू हैव योर ओन आईपी एड्रेस ट्रेसिंग थिंग्स, सो इफ द पब्लिक की इज देयर एवरीथिंग इज देयर, व्हाई शुड यू नीड दिस. तो 33 का आंसर क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से एकदम सीसी होना चाहिए. चलो बहुत बढ़िया. ओहो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया. ड्यूरिंग एन इम्प्लीमेंटेशन, अभी ऐसा तो क्वेश्चन देखते हैं तो बोलते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बोलते हैं इतना देखना पड़ेगा. मैंने कहा बोले फिर तो छोड़ दो, बट नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को. तो आप कीजिए. ड्यूरिंग एन इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ अ मल्टी यूजर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, वेरी गुड, मल्टी यूजर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन काइंड ऑफ ईआरपी, द आईएएस ऑडिटर फाइंड्स माइनर वीकनेसेस इन थ्री एरियाज,
The initial setting of parameters is improperly installed. Weak passwords are being used and some vital reports are not being checked properly. ठीक है, मैं ऐसा भी कहूंगा कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी जनरल बुद्धिमत्ता पे है, प्लस सीसा टेस्टेड क्वेश्चन है. ठीक है, और डीसा में कब पूछ लेंगे कोई भरोसा नहीं है. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन सेपरेटली विद द इंपैक्ट ऑफ ईच ऑफ देम मार्क्ड अगेंस्ट ईच रिस्पेक्टिव फाइंडिंग. एडवाइज द मैनेजर ऑफ प्रोबेबल रिस्क विदाउट रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन एज द कंट्रोल वीकनेसेस आर माइनर वंस. ये कहीं से भी नहीं लिखा हुआ एकदम ऐसा कुछ, बस उसने कहा एक बार हाँ माइनर वीकनेस है, लेकिन तीन एरिया में, तो तीन एरिया में होने की वजह से कंबाइंड वीकनेस बड़ी भी हो सकती है, तो इंडिविजुअली देखना गलत है. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कलेक्टिव वीकनेस. दिस लुक्स वेरी गुड एज ऑफ नाउ, बट स्टिल देखते हैं. Apprise the departmental heads concerned with each observation and properly document it in report. So, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि observation क्या है और collective weakness से क्या risk आएगा. Great. Then 35वां सवाल भी देख लेते हैं जरा क्या लिखा है. Which of the following user profile should be most concerned? Should be of most concern to the IS auditor when performing audit of an EFT, electronic fund transfer. Electronic fund transfer. कई लोग इसी में उलझे रह जाते हैं वरना कि ये तो हमने नहीं पढ़ा, अरे तो ऐसा कुछ है भी नहीं. Three users with the ability to capture and verify their own messages. तीन यूजर ऐसे हैं जो खुद ही देखें खुद ही करें. मेरे को तो यहाँ पे टोटल SOD फेलियर लगता है. SOD का फेलियर है इसमें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का फेलियर है, भयंकर फेलियर है. फाइव यूजर्स विद द एबिलिटी टू कैप्चर एंड सेंड देयर ओन मैसेजेस. दिस लुक्स वेरी वेरी फाइन. अपना मैसेज कैप्चर करके भेजते हैं, ठीक है. फाइव यूजर्स विद द एबिलिटी टू वेरीफाई अदर यूजर्स एंड टू सेंड देयर ओन मैसेजेस. फाइव यूजर्स विद द एबिलिटी टू वेरीफाई अदर यूजर्स एंड सेंड देयर ओन मैसेजेस. ठीक है, दूसरों को वेरीफाई करते हैं लेकिन खुद के अलग मैसेजेस भेज सकते हैं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं लगती. नो प्रॉब्लम. एनपी एनपी. थ्री यूजर्स विद द एबिलिटी टू कैप्चर एंड वेरीफाई मैसेजेस ऑफ अदर यूजर्स एंड टू सेंड. नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज दिस ओनली. सो ए इज अ टोटल एसओडी कॉन्फ्लिक्ट. एसओडी का फेलियर है ये. ओके ग्रेट. 36 36. अरे यार चलो कोई बात नहीं. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है यार? बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस चलता रहे, निरंतर रहे, गोइंग कंसर्न रहे, किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. ठीक है, नेवर पुट दिस ब्लेम टू एनीबडी एल्स. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली. इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ. क्या लगता है? बहुत सिंपल है. सीनियर मैनेजमेंट कहाँ जाएगा? प्लान बनाने ही तो जाएगा. सीनियर मैनेजमेंट कहाँ जाएगा? प्लान बनाने ही तो जाएगा. स्ट्रैटेजिक प्लान्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 38. द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म अ कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट. खुद ही चेक करना वैसे भी जरूरी होता है. ये इन्वॉल्विंग लाइन मैनेजमेंट, लाइन स्टाफ एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इज एट द टाइम ऑफ कंप्लायंस टेस्टिंग, द प्रिलिमिनरी सर्वे, सब्सटेंशिव टेस्टिंग, द प्रेपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. तो आप सर्वे के दौरान ही कर लीजिए खुद ही. टेस्टिंग तो ऑडिटर आके कर लेगा ना, तो यहां कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट थोड़ी ना है. हाँ, ये तो किसके जॉब है? ये तो बाद में आए ऑडिटर के जॉब है, और ऑडिटर तो आफ्टर इवेंट आता है. तो कंट्रोल को सेल्फ इवैल्यूएट तो आप एक सर्वे करके पहले ही कर लोगे ना कि कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं, और अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट है या नहीं. तो एप्रोप्रिएटनेस तो चेक करोगे ना पहले खुद से ही, राइट? ओके 39th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट टेस्ट मेथड टू अप्लाई अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, पायलट, पेपर, यूनिट के सिस्टम. ठीक है, आइडियली शुड नॉट हैव बीन अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट अब है तो टेस्ट मेथड टू अप्लाई टू अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. इनमें से कौन सा एक टेस्ट मेथड है जो अप्लाई कर सकते हैं टू बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? प्लान 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 को टेस्ट कर रहे हो, किस पे करोगे? पेपर पे. ठीक है, इट हैज टू बी अ पेपर टेस्ट.
जहां आप सबको दिखा देंगे और कहेंगे कि देख लीजिए वॉक थ्रू। थैंक गॉड अभी आंसर रिवील नहीं हो गया। द मेजर कंसर्न फॉर एन आईएएस ऑडिटर व्हेन रिव्यूइंग एन ऑर्गेनाइजेशंस बीपीआर एफर्ट्स इज कॉस्ट ओवररन, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, पता है 40 पे बी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनो, की कंट्रोल्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बिजनेस प्रोसेस। हो सकता है ना, आप देखो ये वाला जो आंसर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए यहाँ पे, और हाँ इसे मार्क भी कर लेंगे इंपॉर्टेंट, या फिर अपने लिए आप लिख लीजिए ना, आप अपनी कॉपी बनाए उसमें लिख लें, या कोई छोटे से नोट्स कहीं भी लिख लो, नहीं तो इतने सारे 7-8 मॉड्यूल है कभी दोबारा नहीं पढ़ोगे, उनके फर्स्ट फर्स्ट पेज पे लिख लो। रजत सर की क्लास में से ये भी करके जाना है, ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाना है, सो दैट वुड बी गुड। और जो भी लोग एक बार भी ढंग से बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें दिक्कत आई ही भी नहीं। एक और तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो गलत होता है। An IAS auditor has audited a business continuity plan. Which of the following findings is the most critical? Most critical finding. Most. Non-availability of an alternate private branch exchange system. PBX system नहीं है, ठीक है? Branch exchange system नहीं है, ठीक है? चलेगा। PBX is just a dialer यार, telephone type का, ठीक है ना? Alternate नहीं है मेरे पास में branch exchange system. जब आप ये intercom लगाते हो ना, so alternate intercom facility नहीं है। Intercom पता होगा, of course. पहले टेलीफोन कनेक्ट कराने का बड़ा शौक था, आजकल तो हम भी गजब है वैसे। अंबानी का इंटरनेट यूज करके यूएस के ट्विटर पे जाके हम ट्वीट करते हैं, खुद का कुछ नहीं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और हम क्या ट्वीट करते हैं, हम ट्वीट करते हैं बॉयकॉट ब्ला 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 ब्ला, और हम लोग ट्वीट करते हैं कि स्वदेशी ही अपनाओ और सब छोड़ दो विदेशी। और मजे की बात है, जिस फोन से डाला है वो रियलमी का है या ओप्पो है या वीवो है, और चलो और अच्छा चढ़ा देते हैं तो वन प्लस है, नहीं तो फिर यूएसए का है एप्पल, तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोग कितने होशियार है ना। चलो बढ़िया, तो कह रहे हैं इंटरकॉम फैसिलिटी, अल्टरनेट फैसिलिटी नहीं है और इंटरकॉम की, तो अभी कुछ भी हो जाएगा तो टेलीफोन पे बतियाना तो बाहर रह ही जाएगा ना। हेलो 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 हेलो, अल्फा टू डेल्टा वी आर इन प्रॉब्लम, ओवर, नहीं करने की जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ अ बैकअप फॉर द नेटवर्क बैकबोन, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी हर्ट होगी तो आप इधर ना उधर, इधर से उधर, कहीं ना कहीं और जाके काम करोगे, और आपके पास नेटवर्क को लेके कोई और बैकअप नहीं है, सो अगर कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो हाउ डू यू कनेक्ट बैक, वेरी डिफिकल्ट। सो मुझे तो ये मजा आ गया देख के, आंसर बात ही खत्म हो जाती है क्योंकि बाकी पढ़ लिया मैंने अपनी आंखों से तो बेकार लगे होते। ओके कोई और मत दे देना, ये भी टेंशन हो जाती है, स्पॉन्टेनिटी से कराते हैं तो ऐसा ही होता है, टेंशन भी रहती है दिमाग में। The IS department of an organization wants to ensure that the computer files used in the information processing facility are backed up adequately to allow for proper recovery. Backup, backup कैसा control है? Backup कैसा control है? तो वो बोल रहे हैं, वो तो ही नहीं रखा हमने preventive, detective, corrective पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो वो क्या कह रहा है? This is A or N. कंट्रोल प्रोसीजर के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर है कि ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल का, तो हम कहेंगे ये तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, राइट क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। बैकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकवरी करना, तो उसने ऑब्जेक्टिव की बात करी है सीधे सीधे, बैकअप इज अ कंट्रोल, बैकअप इज अ कंट्रोल एंड द ऑब्जेक्टिव इज रिकवरी, सो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैज बीन मेंशनड। कभी हम चलता है कभी हम मिलता है हर दम बेकाबू, रोज ये करता है नई नई गड़बड़ नाचो। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ अ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस शुड एन आईएएस ऑडिटर फर्स्ट रेज द इशू ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, कब एप्लीकेशन कंट्रोल्स के इशू रेज कर देना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर जितना जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल, एएसएपी।
अगर एसएपी की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान करें, ये तो लेट हो जाएगा। डिजाइन अच्छा है अभी तक तो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, टेस्टिंग तो और भी लेट है भाई। डिजाइन के बाद डेवलपमेंट होता है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, वेरी गुड। आप स्पेसिफाई करते समय ही अगर कर लेंगे तो दिस इज द अर्लीस्ट, सो ऑडिटर मस्ट पार्टिसिपेट ना, यहीं पे कर लेगा तो बहुत अच्छा होगा, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। सो 43 का आंसर हमने दिया डी। मैंने आंसर मार्क नहीं करे भाई, ये सीसा के कंट्रोल मतलब सीसा के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उधर से आए आंसर, आंसर मेरे नहीं है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर भाई आप तो खुद ही कुछ करके आ जाते हो अफलातूनी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे से मैच खा रहे हैं, इसलिए नहीं खा रहे। एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशनली रिपोर्ट्स एक्सक्लूसिवली टू सीएफओ। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बोलता है कि हम किसे रिपोर्ट करते हैं, सीएफओ को रिपोर्ट करते हैं, हम अपनी कमिटी को तो रिपोर्ट करते ही नहीं है। वाह। तो ऑडिट इंडिपेंडेंस क्वेश्चन होगी ना, क्योंकि देखो मेजरली क्या होगा, मेजरली फाइनेंस का इशू आता है, और कोई नए इशू तो आते नहीं है। सो फाइनेंस का अगर कोई भी इशू आता है और आप पाए जाते हो कि आप फिर भी क्या कर रहे हो, आप पहले जाके तो सीएफओ को बता रहे हो कि अरे ऐसा 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 है, और हम जाके पहले उसको बता के आ रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा मिला है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस क्वेश्चन है ना। पहले तो कमिटी में वो पॉइंट रेज हो जाना चाहिए, किसी वी हैव फाउंड दिस, देन आगे डिस्कशन होगा, राइट। इसके ऊपर एक पूरा एजेंडा बनेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो गलत हो गया ना, ये तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो जाएगी। अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल दैट मॉनिटर्स एंड रिकॉर्ड्स नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज, और एएन, मैं अगेन बोलूंगा ईसा 3.0 के लिए तो और भी कम रेलेवेंट है, 2.0 के लिए फिर भी थोड़ा रेलेवेंट है, बाकी वैसे सीसा के अंदर पूछने वाला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डीसा, सो दैट्स अवॉइडेबल। येट मैं बोलूंगा कि प्रोटोकॉल एनालाइजर हैज टू बी द आंसर, ठीक है ना। सो वो देखता रहता है कि प्रोटोकॉल एनालाइजर विल चेक वेदर द राइट प्रोटोकॉल इज बीइंग फॉलोड और नॉट। इन द आईएसओ और ओएसआई मॉडल वेरी मच रेलेवेंट टू डीसा 2.0, नॉट दैट रेलेवेंट टू डीसा 3.0, ठीक है ना। सो फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी फॉर द यूजर एप्लीकेशन। अब अगर आपको याद हो तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, टीसीपी सॉरी आईएसओ के अंदर एप्लीकेशन लेयर होता है, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और उसके बाद होता है सेशन लेयर, और यूजर यहां पे काम कर रहा होता है, ठीक है। बाकी सारा इंटरनेट होता है नीचे, आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो, ठीक है ना। तो अगली आ जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। सो इस तरह से लेयर्स आनी चालू हो जाएंगी बाकी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में से अगर हम रिवर्स रिवर्स देखें कि कैसे काम चल रहा है, सो देर वुड बी फोर मोर लेयर्स टू इट। तो ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स हो गई, ये सेवन्थ हो गई। तो सबसे लेट एप्लीकेशन लेयर मिलेगी यूजर लेवल पे, सबसे पहले कौन सी मिलेगी, सेशंस लेयर। सो कोई जना क्या कर सकता है, यहां से पढ़ते हुए अर्लीस्ट इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है फर्स्ट, तो आप में हो सकता है आप बिल्कुल गलती कर जाए कि फर्स्ट लेयर के तक पहुंचने की कोशिश में, राइट। सो आप पता चला कि पहले यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर आता, फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर आता, राइट, और यहाँ पे डेटा लिंक लेयर आती, और यहाँ पे फिजिकल लेयर आता। तो आप ही मुझे बताइए क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो आप देखिए ना, अभी आप गलती क्या करते हैं, आप बोलते कि सबसे पहले तो नेटवर्क लेयर आ रही है, बट दैट इज नॉट इंटरफेसिंग विद द यूजर, दैट इज ऑल ऑन द नेटवर्क, राइट। ये सब नेटवर्क पे चल रहा है एंड दिस इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो जब हम बात कर रहे हैं कि यूजर कहां से आना चालू हुआ या यूजर कहां से इंटरेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे यूजर का सेशन इनिशिएट होता है, वहां से चल रहा है। ओके, सो सेशन लेयर हैड टू बी द आंसर, एंड ये एक पेचीदा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। और देखते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, मैं कभी कभी ऐसे टेंशन में आ जाता हूँ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज इज टू एंश्योर दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल टू ऑल द स्टाफ, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल पॉलिसी सपोर्ट बिजनेस एंड आईटी ऑब्जेक्टिव्स। वाओ, बी अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन देखते हैं अभी, ठीक है, देखते हैं अभी। और देखो, देयर इज अ पब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट विद फंक्शनल ड्यूटीज आर एप्रोप्रिएटली सेग्रीगेटेड। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ऑडिट का बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। सो आप जब ऑडिट कर रहे हो किसका, पॉलिसी का, तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस और आईटी ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही पूरे होते हों। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा ना, मैं सबसे पहले तो यही चेक करूंगा, वरना मैं बोलूंगा ये क्या बना दिए तुमने। ग्रेट, तो 47 का बी डन। व्हाट एल्स डू वी कम अप विद 48? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स वुड बेस्ट डिटरमिन वेदर एडिक्वेट रिकवरी और रीस्टार्ट प्रोसीजर्स एग्जिस्ट? बेस्ट डिटरमिन वेदर एडिक्वेट रिकवरी रीस्टार्ट प्रोसीजर्स एग्जिस्ट, बरोबर रिकवरी रीस्टार्ट के प्रोसीजर है कि नहीं है? तो बोला प्रोग्राम कोड चेक करो। मैंने कहा बकवास बात करते हो, बकवास, क्योंकि प्रोग्राम कोड तो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, रिकवरी रीस्टार्ट के लिए कहां बात आती है? रिव्यूइंग ऑपरेशंस का डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशंस पे पता चल जाएगा ना, ऑपरेशंस के डॉक्यूमेंटेशन में तो लिखा होगा कि अगर कल को फ्लॉ होता है तो क्या करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होगा। तो अगर प्रोसीजर होगा तो लिखा हुआ होगा, नहीं होगा तो कैसे लिखेगा? टर्निंग ऑफ द यूपीएस देन द पावर। वाह, बंद करके चेक चेक कर लो। मंगलयान में रॉकेट उड़ाते हुए दिखा दिया उन्होंने, क्या मूवी बनाई है। और मैंने वो सीन देखा तो मुझे लगा कि यार मसाला भी तो सोच समझ के डालो थोड़ा सा। बंद करके ऑन कर लिया और सैटेलाइट सिग्नल मिल भी गया, टू गुड। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हेल्प्स मिनिमाइज, कौन सा रिस्क मिनिमाइज होगा? रे ऑडिटर के पास रिस्क होता ही क्या, ऑडिटर ही तो सैंपल लेने आया है, तो ऑडिटर का रिस्क है ही कौन सा? बताओ ना, आप ही बताओ, क्या लगता है आपको ऑडिटर के पास सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन, डिटेक्शन रिस्क ही कम होगा तो हम अच्छे से सैंपल लेगा तो। अच्छा, 50वां सवाल, 50, हाफ सेंचुरी। एन आई एस ऑडिटर इन्वॉल्व एज अ टीम मेंबर इन द डिटेल्ड सिस्टम डिजाइन फेज ऑफ अ सिस्टम अंडर डेवलपमेंट वुड बी मोस्ट कंसर्न विद एन आई एस ऑडिटर इन्वॉल्व एज अ टीम मेंबर इन द डिटेल्ड सिस्टम डिजाइन फेज, उसको सबसे ज्यादा चिंता किसकी होगी? बताओ आपको क्या लगता है, उसको उसको सबसे ज्यादा चिंता किसकी होगी? वो सबसे, देखो वो अकेला है बेचारा जो इस सोच समझ से आया है कि कंट्रोल लगाने होते हैं, बाकी सब तो ऑब्जेक्टिविटी पूरी करने आए हैं। सही बात है ना। अब कोई भी जना जब सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई भी बिजनेस अपने लिए सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा है, तो उसे तो चाहिए परफॉर्मेंस, उसे चाहिए फंक्शनैलिटी, तो ये सब टेस्ट करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। लेकिन एक अकेला आईएएस ऑडिटर है जो डिजाइन के दौरान बात कर रहा होगा कि अच्छा कंट्रोल कैसे लगेगा, यहाँ तो कंट्रोल ही इनएडिक्वेट है, यहाँ तो यही नहीं आ रहा, यहाँ तो कंप्लायंस के इश्यूज हो रहे हैं, ये सब कौन बात करेगा, यहाँ तो आईएएस ऑडिटर यही तो बात करने आया है। तो आईएएस ऑडिटर बोलता है मैं तो हूँ ए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, हम एक बार इसे पॉज कर रहे हैं, देखते हैं आगे।